हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रिएक्शन करने वाले हैं, जिसका कि कोई हमें आज तक कुछ नॉलेज है नहीं। खालिद इब्ने वालिद करके एक वीडियो है, हमें तो एक्चुअली में पता भी नहीं है क्या चीज है, किसका नाम है, या कोई महारथी थे या जो भी था। अभी तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये वीडियो है, पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इन सब चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, दैट्स वाई वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो आज हम इसी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ और इस वीडियो को लाइक करें। और आप चाहते हैं आपको ऐसी रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। खालिद इब्ने वलीद कैसे मुसलमानों के दुश्मन थे, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी की, लड़े तलवार के जोर से जेर नहीं हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे खालिद इब्ने वलीद बड़ा गैरत वाला आदमी है। 70 सहाबा को खालिद इब्ने वलीद ने कत्ल करवाया है ग़ज़वा उहुद में, इस्लाम दुश्मनी में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसीरत देखो, ये नहीं कि इनको बस किसी तरह मार दो, इन्होंने 70 अफराद को शहीद करवाया, ना ना ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे गैरतमंद है तभी तो लड़ रहा है, गैरत का गलत इस्तेमाल में लड़ रहा है। लेकिन ये इनको ये कंफ्यूजन है कि ये सही है और हम क्या हैं, गलत हैं। ये समझ रहे हैं हमने इनके बाप दादा के दीन पे हमला किया है, हालांकि असल इनके बाप दादा का दीन वही है जो हम पेश कर रहे हैं। जहालत है, गलती है, किसी तरह इनको जेर करो। ऐसा गैरतमंद आदमी अगर हमें मिल गया तो किसके लिए काम करेगा, जो हमारे मुखलिस लड़ाका अल्लाह के लिए लड़ने वाले 70 को शहीद कर सकता है, वो इस्लाम दुश्मन जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ते उनका क्या करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी बेहतरीन तदबीर की कि सुलह हुदैबिया के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब खालिद इब्ने वलीद लड़ने के लिए आ रहे थे, सुलह हुदैबिया हुई तो चले गए, पैगाम भेजा कि खालिद इब्ने वलीद को जाके बताओ कि नबी ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारे जैसा समझदार और जहीन आदमी अब तक उसकी समझ में इस्लाम नहीं आ रहा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अऊ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना जहीन आदमी हो कि इस्लाम नहीं समझ में आ रहा। तो खालिद इब्ने वलीद ने जब ये सुना और मुतासिर हुए। इंसान अपनी तारीफ सुन के खुश होता है, इज्जतदार लोग जो है ना वो पेशानी से पकड़ के गालियां देके नहीं लाइन पे आते, वो इज्जतदार आदमी आप उसको अच्छे अल्फाज से दीन की तरफ बुलाओगे तो वो आ जाएगा। कादियानी भी अगर दीन पे आने लाना चाहते हो ना और वो उसमें आपको नजर आता है कुछ, तो फिर आप उस आपसे उसको आपको उससे बहुत मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। ये नहीं जाके एक साहब गए ना एक कादियानी को दावत देने के लिए, अरे कुत्ते जैसी तेरी शक्ल है, इस तरह की बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा मेंबर पे बात करना, कुत्ते जैसी वो तू तबलीग करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है भाई, उसको वो आएगा। तो खालिद बिन वलीद का दिल क्या हो गया, नरम। उन्होंने कहा बहुत तलवार से नहीं, आराम से लड़ाई से, हम इसका मतलब बुजदिल हम डर गए, ना 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 आराम से। तो खालिद बिन वलीद आए और इस्लाम कबूल किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ भेजा उनको, ग़ज़वा मूता में। 3,000 की लड़ाई 3,00,000 से थी तकरीबन, मुझे पूरे आदाद अभी याद नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कमांडर बना के नहीं, आम फौजी बना के भेजा। 3 सहाबा को जिनमें जाफर तैयार भी थे जो निजाशी के सामने तकरीर करके आए थे, वो मैं भी जल्दी से मुकम्मल करके बयान ख़त्म करता हूँ। उनमें हज़रत जाफर तैयार वो भी थे, 2 सहाबी और थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे ज़ैद इब्ने हारसा, जो इंतहाई चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह। जब कोई सिफारिश करनी होती थी ना किसी ने, तो हजरत ज़ैद इब्ने हारसा को जाके लोग बताते थे कि नबी इनकी बात को मुस्तरद नहीं करेंगे। ऐसे चहीते को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग में भेज दिया कि भाई रूमी हमला कर रहे हैं, 3,00,000 का लश्कर है, इतने चहीते को भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये आपकी भी कुर्बानी थी, झूठा नबी होता कहता है अबे भाई अपने अपनों को यहाँ रखो। कोई झूठा नबी होता है ना क्या कहता है, अबे इनको तो नहीं वो उधर भेजो अपने बंदों को। अभी आप देख लें आजकल जो सेटअप चल रहा है ना, छोड़ो अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, आजकल जो अजीब सा सेटअप चल रहा है, अपने अपने यहाँ यहाँ, दूसरे दूसरे वहाँ वहाँ, तो ऐसा सेटअप चल रहा है आजकल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा को भेजा और जाफर तैयार को, दूसरे अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा थे या क्या नाम था उनका, ऐसे मुझे जहन से निकल रहा है, तो वो जी अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनमें अगर ये एक शहीद हो जाएं तो ये अमीर हैं, ये शहीद हो जाएं तो ये अमीर, और मजे नबी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। अब 3,00,000 का मजमा है और इधर थोड़े से लोग हैं,
اور دفاعی جنگ تھی، یہ اقدامی نہیں تھی، ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا. رومی انگریز ہیں، رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں، انہی کی اولادیں ہیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعة والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. دیکھ تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ میں یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک، تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی گورے. تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں. اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان کو ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے. دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. کون سی باتیں ان میں، تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں، وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا، رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے، ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا، اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ. ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا، ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا، آئندہ نہ ہو لہٰذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں، تو اس پہ غور ہونا چاہیے یہ ہوا کہاں سے ہے، اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے، پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو، ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے نا. یہ اللہ کا فضل ہے، جامع تو رشید نے سپریم کورٹ میں کسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے، الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف، ان کی بڑی خدمات ہیں. ابھی جامع تو رشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے وہی جج جن کے خلاف لوگ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائیں، کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا، پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاء اللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ، وہ بھر بھر کے دیں گے. تو انہوں نے بڑے تو ایسی باتیں ممبر پہ بتائی نہیں جاتی، کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں ہیں، وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ نہ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا. تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ اونچی پوسٹوں پہ بھیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں. تو تفتیش کی جائے، یہ کیس جامعہ تو رشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا، لیکن کسی کے ذریعے سے، براہ راست نہیں بلکہ کسی توسط سے، کہ بھئی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے. تو الحمدللہ ان جج نے بڑا ساتھ دیا اور وہ خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، کیونکہ بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں، ایسی گڑبڑے کراتے ہیں، تو وہاں تک پہنچنا نہ دیا جائے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ، وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے، عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا گوشت کھا رہے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے، جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے، ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا، اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی، ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا، اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا، کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. تو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی، تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں، جن کو برا بھلا کہتے ہیں، تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے، ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائے. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے، یہ 70 انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں، اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا
वो जंग का वाकया आपके सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा शहीद हो गए, हालांकि बहुत दूर था ये मदीना से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी। ये मौजज़े के तौर पर आपने बताया। फिर आपने फरमाया कि जाफर तैयार शहीद हो गए, वो भी शहीद हो गए, उन्होंने झंडा हाथ में लिया और वो भी शहीद हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से, जाफर तैयार तो बहुत ज़्यादा चहीते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत अली के बाद सबसे बड़ा मकाम अहले बैत में हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का समझा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को खबर दी कि जाओ उनकी चार बीवियां हैं, उनको जाके इत्तला दो कि वो शहीद हो गए। फिर उनके बच्चों के सर पे, उनके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे हजरत जाफर तैयार के, उनके सर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों का फिर बहुत ख्याल किया करते थे। तो वो औरतों के रोने की आवाज़ आई, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि इन औरतों को कहो कि अपनी आवाज़ें पस्त करें, घर की चार दीवारी से आवाज़ इनकी बाहर ना निकले। बड़े खूबसूरत जवान थे हजरत जाफर तैयार और नबी के चहीते थे, और ग़ज़वा बदर में हजरत जाफर तैयार की बड़ी कुर्बानियाँ थीं। जब ये आया है ना काफिरों का लश्कर बदर में सामने, और काफिरों के सरदार आए कि हल में मुबारिस कोई है हमसे लड़ने वाला, यानी पहले हमसे लड़े फिर हम दोनों में से कोई कत्ल होगा तो फिर जंग शुरू होगी, ऐसे भी थे। तो इधर से कौन आए, पहले कुछ अंसारी सहाबी आए, तो वो जो वलीद इब्ने उकबा था ना, वलीद इब्ने उतबा, उसने कहा ना 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 ना, हमें अपने जैसा चाहिए, हमें कैसा चाहिए, कुरैशी सरदार होना चाहिए जो मेरे मुकाबले में आए, फिर लड़ाई का मजा है। ये वो बहादुरी है जो किसमें थी, बोलो ना भाई, अरबों में। तो उधर से फिर हजरत अली आए, हजरत जाफर तैयार आए, हजरत हमजा आए, इधर से भी तीन आदमी उधर से भी तीन। तो इसने कहा नाम अकफा उना, हाँ ये हैं हमारे, हमारी कौम के, हमारे जैसे शेर हैं, बहादुर हैं, लड़ना जानते हैं, इनसे लड़ाई में मजा आएगा, और पिट गए तीनों। तीनों क्या हो गए। तो इधर से हजरत जाफर तैयार जब आए ना, तो ये तो बहादुरी की बात है ना भाई, इधर 313 उधर हजार, और लड़ाई ऐसे शुरू हो रही है कि दोनों जिम्मे से जब तक एक जिंदा है लड़ाई शुरू नहीं होगी, और इसमें कितना 50% चांस है ना अपने शहीद होने का, और सामने से भी पता है कि बहादुर तरीन आदमी आया है, कमजोर हो तो आदमी कहता है मैं जाऊं यार, मैं बिस्मिल्लाह करूं, बल्कि उसमें भी नहीं जाएगा, वो क्या यार मैं पिटपिटा ही ना जाऊं। तो ऐसे सहाबी थे जाफर तैयार, और वो ग़ज़वा मूता में नबी के कैसे चचाजात भाई शहीद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे, और आपने फरमाया कि वो भी शहीद। फिर आपके जो चहीते हिब्बु रसूलिल्लाह, नबी के चहीते, हिब का तर्जमा उर्दू में क्या होगा, चहीता, कहते हैं ना बड़ा चहीता है, लाडला है, नबी के लाडले, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेके कई साल पाला है, इतनी मोहब्बत दी कि जब इनके असल बाप दादा आए ना इनको ले जाने के लिए, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाता, मैं इधर ही रहूंगा, इतनी मोहब्बत हो गई थी, इत्तला आई कि वो भी शहीद हो गए। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कद अखद अर्रायत सैफ मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने झंडा हाथ में ले लिया। इसमें इशारा था कि अब यह तलवार टूटेगी नहीं, क्योंकि ये किसकी तलवार है, अल्लाह की। इसी वजह से कहा जाता है कि खालिद इब्ने वलीद, हजरत खालिद इब्ने वलीद खुद बताते हैं कि मैं घुमसान की जंगों में लड़ा हूं शहादत हासिल करने के लिए, मगर किस पर मेरी मौत वाकई हो रही है, बिस्तर पे रो रहे थे। फरमाया कोई ऐसी जगह मैंने छोड़ी नहीं है जहां मुझे शहादत नजर आई हो और मैं घुसा ना हूं उसमें लड़ते हुए, मगर मौत कहां आ रही है, बिस्तर पे। उलमा ने उसकी वजह बयान की है कि जिसको अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तलवार कह दिया हो तो ये इशारा है कि इसको शहादत नहीं मिल सकती, क्योंकि शहादत का मतलब काफिरों के हाथों कत्ल, और काफिर ने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया, तो ये नबी की बात क्या हो जाती, गलत। तो हजरत जाफर तैयार रजी, हजरत खालिद इब्ने वलीद फरमाते हैं कि हमने सुबह से लेके रात तक लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, सुबह से लेके, इसलिए कहता हूँ अल्लाह के बंदों कुछ एक्सरसाइज किया करो, खुदा के बंदों सहाबा कितना स्टेमिना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा तलवारें चलाने के लिए एक्सरसाइज करें, फटने के लिए करें, उसके लिए आर्मी है, फौज है, जिहाद करना है, जंग लड़नी है, किसको ज्वाइन करो, आर्मी को ज्वाइन करो, मुल्क की हिफाजत करो, अपने ही लोगों पर जाके फट जाना ये जिहाद, बोलो ना भाई, नहीं है। लेकिन ये तो पता चलता है ना कि जब मुल्क को जरूरत हुई, जब दीन को जरूरत हुई लड़ने के लिए, मजहब को जरूरत हुई लड़ने के लिए, तो लड़ने के लिए कुछ गद्दे पे बैठ के लड़ाई सीखोगे क्या,
और सहाबा का स्टैमिना कितना था, सुबह हजरत खालिद बिन वलीद पर तलवार कितनी भारी होती कि आप उठा के देंगे, वो जो तलवारें थी वो ये तसाइयों की छुरियां नहीं होती थी, इतनी भारी भरकम तलवारें। फरमाते हैं सुबह फजर से लेके रात मगरिब तक हम तलवारें चलाते रहे और मेरे हाथ में 9 तलवारें टूटी हैं, 9 तलवारें। इतने लाख मजमे के साथ लड़ना, और कहते हैं मैं इतना कत्ल किया है बंदा मैंने कि उनका इतना जोर था, मदीना हाथ से चला जाता सहाबा के, मदीना हाथ से चला, मदीना का दिफा था ये, कह रहे इतनी इतनी तलवार चली है कि फिर वो हजरत खालिद बिन जोश में ना अशार में वो बड़ा करते थे। और खवातीन से भी कहता हूं कि रिश्तों के लिए ये जो सिंगर टाइप के लोग होते हैं ना गुलकार, इनको पसंद ना किया करो। आजकल खवातीन के हीरो कौन है जो फिल्मों में ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 10-10, 20-20 लड़कियों से दोस्तियां लगाई हुई, इनको कहते हैं ये हीरो काश मेरी इससे शादी हो जाए, जो इंडियन फिल्मों और अंग्रेजी फिल्मों के हीरो होते हैं। दीनदारों से मोहब्बत करना करो और अपने बेटियों की जो शादियां हैं किससे किया करो, दीनदारों से जो मुआशरे के खिलाफ लड़ना जानते हैं। लड़ने से ये नहीं कि बंदूकें चलाना, रस्म और रिवाज में उनके खिलाफ चलना, उन पे कॉन्फिडेंस है, उनका एक सोच है, एक थिंकिंग है। गुलकार सिंगर बेचारे की क्या सोच होती है, वो तो नाचता है, ठुमके लगाता है, 10 लड़कियां इधर 10 लड़कियां उधर मर रही हैं, और शहवत परस्ती में और अपनी ख्वाहिशात की गुलामी में सारी जिंदगी गुजर जाती है। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, सॉरी इनमें कुव्वत मुजाहमत नहीं होती इन लोगों में। इनकी ख्वाहिशात अगर इस तबके को, अगर कुछ ख्वाहिशात इनकी छीन ली जाएं तो ये तो वैसे ही खुदकुशी करके मर जाएं। तभी आप देखें ज्यादातर अदाकार, ज्यादातर तो नहीं लेकिन अदाकारों में खुदकुशी का रेशो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये लाइफ को एंजॉय करने के आदि हो जाते हैं, कुर्बानियों का के आदि नहीं होते। जरा सी लाइफ की एंजॉयमेंट में कोई कमी हुई तो ठा करके मार दिया, जवानी में खुदकुशी कर लेते हैं, डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। ये तो आपको यूट्यूब पे एक साहब मुझे कहने लगे ये अदाकार लोग अगर इतने परेशान होते हैं तो ये इतने खिलखिले हुए यूट्यूब पे क्यों आ रहे होते हैं। ओ भाई यूट्यूब पे तो दांत दिखाने के पैसे मिलते हैं उनको, जब किसी फंक्शन में बुलाया जाता है अदाकारों को तो उनको तो बाकायदा मुस्कुरा के बात करना और फेस एक्सप्रेशन से ऐसा जाहिर करना बहुत खुश है, हा हा ही हू करके मिलना, ये मसनूई है, बहुत मुश्किल है यार। हकीकी खुशी सिर्फ दीनदारों के दिल में होती है, बाकी ये जो अदाकारों फंकारों गुलकारों की खुशी है ये ऊपर ऊपर से मीडिया के, कभी आप इकट्ठे वक्त गुजार के देखो इनके साथ तो आपको पता चलेगा ये बेचारे बहुत परेशान होते, इतने परेशान के बयान नहीं किया जा सकता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तभी तो देखो ही कभी कोई मजार पे जा रहा है, कभी रूहानी बाबा के पास जा रहे हैं, जितने अदाकार फंकार है ना, कोई किसी ने कुछ बांधा हुआ है, किसी तावीज़ बांधा हुआ है, किसी इमाम जामिन बांधा हुआ है, हर वक्त खौफ हर वक्त डर पता नहीं क्या हो जाए। मौलवी देखो फूके लगा रहे हैं मगर अपने तावीज़ नहीं बांध रहे होते, मौलवी लोग खुदकुशी नहीं करते, दो नंबर भी नहीं करते खुदकुशी, अजीब सी बात है। यानी दो नंबर मौलवी भी जो मौलवियत का नाम आ गया ना वो भी नहीं कह रहा यार जावड़े बाढ़ में खुदकुशी भी करेगा जावड़े क्या है। तनख्वाहें कितनी कम होती हैं मौलवियों की, कारियों को सारा सारा दिन बेचारे रगड़े लगाना पड़ता है बेचारों को, बच्चों को पढ़ाते हैं सारा दिन बैठ के, तनख्वाह क्या मिल रही है थोड़ी सी फिर भी खुश है, कभी बैठो कारी के साथ बच्चों को पढ़ा रहा हो तो बड़े फॉर्म में होगा वो तैश में, लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ में बड़ा खुश होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अहले हक उलमा की बात कर रहा हूँ, जितने अहले हक उलमा देखे हैं सारे खुश मिजाज ही देखे हैं, सब खुश मिजाज देखे हैं, खुश रहते हैं वो, पता नहीं क्या उनको खुशी है, अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और इस नेमत की शुक्र की तौफीक अता फरमाए। तो जल्दी से बात करूँ, बहुत लंबा बयान हो गया आज, तो हज़रत जाफ़र तैयार वो हज़रत खालिद इब्न वलीद क्या कहते हैं, कितनी तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपने आप को सहाबा के मुशाबे बनाओ। अल-मुमिनुल क़वी खैरु मिनल मुमिन ज़ईफ़, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से अल्लाह को ज़्यादा। एक बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो जितनी खुराकें खा लो, अल्लाह जब बीमार करना चाहे तो फिर वो तो अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी सेहत का ख्याल करते होंगे ना, फिर भी सारी ज़िंदगी बीमारी में गुजर गई, वो अल्लाह की तरफ से, उस पर तो अजर मिलता है दर्जात बुलंद होते। एक होती है अपनी हमाकतों से, तो जो एक्सरसाइज नहीं करते मेहनत मजदूरी नहीं करते या मेहनत वाले काम नहीं करते बीमार हो जाते हैं। आज मैं सुबह जॉगिंग के लिए कहीं गया तो एक वो नौजवान, नाराज़ ना हो भाई जो मेरी बात सुन रहा है, वो गीबत नहीं है, किसी को पता नहीं है, और सिर्फ वो अकेला नहीं है उसके अलावा और भी नौजवान है, उसकी नीयत तो अच्छी थी लेकिन चूंकि उस नौजवान के अल्फाज से मुझे वो वाकया याद आया जो मैंने किसी नौजवान से सुना। मैंने किसी आर्मी के मेजर का वाकया सुनाया था, हमारे दोस्त हैं लाहौर में, उनकी बड़ी ज़बरदस्त फिटनेस एक्सरसाइज बहुत करते हैं, आधा आधा घंटा सुबह जॉगिंग करते हैं, तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे साथ कोई लड़की आके सेल्फी बना के चली गई, तो मुझे बता रहे थे कि यार वो हम कभी वर्दी में हो तो बाज़ दफ़ा लड़कियाँ आके सेल्फियाँ बना के चली जाती हैं फिटनेस की वजह से बड़ी, तो कह रहे मैंने तो पता भी नहीं चला और आके बना के चले गए, अभी ये कहीं फेसबुक पे डाल देगी तो मेरी बीवी से मेरी पिटाई हो जाएगी। तो मैंने ये वाक्य कहीं बयान में बता दिया,
तो अब कुछ लड़कों की रिपोर्ट आई सुबह सुबह क्या कर रहे हैं जॉगिंग कर, मेरे पास रिपोर्ट आई क्यों कर रहे हैं, कह रहे मुफ्ती साहब ने कहा था वो क्या होता है लड़कियां सल्फियां बना के तो जिसकी ये नहीं है तो उसकी तो सेहत बनी नहीं सकती क्योंकि वो सारा उधर ही उसका जो है ना उसी गम में घुला जा रहा होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो शरीयत की नीयत से जो सेहत अच्छी होती है, माँ बाप के हकूक अदा होते हैं, बीवी बच्चों के हकूक अदा होते हैं, अल्लाह की इबादत होती है, रोज़ों पर ताकत नसीब होती है, इस नीयत से आदमी करे और नबी का फरमान है, बाकी कोई नीयत नहीं होनी चाहिए। और तवक्कुल अल्लाह पे करे कि अल्लाह चाहेगा तो सेहत अच्छी होगी, नहीं चाहेगा तो जो मर्जी करते रहो। अच्छे अच्छे हमने सेहतमंद देखे हैं, हर चीज़ का ख्याल करते हैं और हार्ट अटैक से उसी वक्त, हालांकि उनके दिल में कोई, एक दिन पहले टेस्ट करवाया सब रिपोर्टें क्लियर, अगले दिन हार्ट अटैक से मर गए, तो अल्लाह से तो कोई लड़ सकता ना, वो तो तकदीर है। तभी हुक्म हुआ है कि दुनिया से मोहब्बत नहीं करो, दुनिया कमाने की कोशिश जरूर करो मगर दिल दुनिया से ना लगाओ, कोई भरोसा नहीं है। इन्नहा खुल्लतुन कद सीता मिन दमिहा फजरुन वबलउन व इखलाफुन व तब्दीलु, गिरगिट की तरह रंग बदलती है ये, आज दिखा रही है बहुत सब्बाक, अगले दिन जन्नत गिरगिट की तरह रंग बदलेगी। तो नौ तलवारें टूटी हैं, नौ तलवारें हैं, चला चला के तलवारों से तलवारें मार मार के टूटी, फिर दूसरी तलवार लेते थे। और कहते हैं हम फिर शायरी में अपनी बहादुरी के वाकया बयान करते थे कि हमने जंग के मौके पर या इस तरह तहदीस बिन नेमत के तौर पर, ये बहादुरी बयान करना गलत नहीं है, तो बताते थे हमने खोपड़ियों के मीनार बना दिए, क्योंकि 3,000-3,00,000 से मुकाबला इतना कत्ल हुआ है, फिर वो दुश्मन भागा है वहां से। तो गाइस ये वीडियो था, खालिद इब्ने वालिद के बारे में पूरी हिस्ट्री बताई थी, कैसे उनके साथी और भी बहुत सारे लोग वो खुद तब तक लड़े जब तक कि तलवारें ना टूट गई। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, मैं पहली बार ये मैंने खालिद इब्ने वालिद के बारे में जाना, और हम लोग चाहेंगे कि आगे भी हम और जाने इनके बारे में, क्योंकि एक वीडियो से कुछ भी चीज क्लियर नहीं होती है। अगर आपके सजेशन में कोई वीडियो तो आप लोग प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोस भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।